लिए प्रत्याशियों के चयन और उनकी तस्वीर साफ होने के बाद प्रचार प्रसार के दौरान और मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी दीपक शुक्ला, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव लगातार समीक्षा कर रहे हैं। एसपी ने आज जानकारी देते हुए बताया कि जिले का भ्रमण करते हुए वहां आवश्यकता के हिसाब से सशस्त्र बल, पैरामिलिट्री फोर्स और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। वहीं बताया गया है कि एफएसटी एसएसटी लगातार काम करते हुए बड़ी कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा है कि विदिशा जिले की पांचों विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न हो, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, जैसा कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया अभी हो चुकी है और आगे की प्रक्रिया अभी जारी है, इसको देखते हुए हम लोग लगातार, मैं और जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जो हमारे एसएसटी पॉइंट हैं, जो हमारे एफएसटी हैं, जो हमारे अन्य नाके हैं, उन पर कैसी विधिवत चेकिंग हो, कोई भी ऐसी वस्तु या पदार्थ जो चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर सकता है उसको हम समय रहते इंटरसेप्ट करें। जो शिकायतें हमारे सामने आ रही हैं, चाहे वो मॉडल कोड के उल्लंघन की हो या अन्य तरीके की शिकायतें हों, कैसे उस पर तत्परता से हम लोग कार्रवाई करें, और इन सभी बिंदुओं पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जिला स्तरीय जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे ऑपरेशनल है, और चूंकि अभी कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुके हैं, इसको देखते हुए हम पूरे जिले में जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उनकी भी एक बार फाइनल एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसको हमारे सभी जो फील्ड लेवल के अधिकारी हैं, एसडीएम, एसडीपी, टीआई, तहसीलदार, उसको पुनः एक बार मूल्यांकन करके अंतिम स्वरूप दे रहे हैं और उस हिसाब से हम बल का डिप्लॉयमेंट करेंगे। बाहर से हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज और अन्य बल भी आना शुरू हो गया है, जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं। हम लोग एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज उनके माध्यम से अलग अलग विधानसभा वार करवा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लगातार अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी तक काफ़ी अच्छी हमारे यहाँ जब्ती की गई है एसएसटी टीम्स द्वारा, चेकिंग पॉइंट्स के द्वारा, और इसी तरह से एक्साइज या जो आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ हैं वो भी अच्छी की जा रही है। नाइट कॉम्बिंग के माध्यम से हम लोग लगातार स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंटों की तामीली भी करा रहे हैं, और उसमें भी काफ़ी सुधार हमारे जिले में हुआ है अभी। तो अलग अलग बिंदुओं पर जो हम लोग आवश्यकता के अनुसार कार्रवाइयाँ संपादित कर रहे हैं।